हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज ट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी भाई? अभी अभी सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है बीपीएल के राशन कार्ड और एएवाई राशन कार्ड परिवारों के लिए। जी हां, जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया एएवाई कार्ड है, यानी कि अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लें, क्योंकि भाई सरकारी आदेश जारी किया गया है। 5 नया राशन आपको मिलेगा इसी माह अप्रैल से, 15 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे बदलाव पूरे देश भर में राशन कार्ड पर किए जा रहे हैं। 90 करोड़ से ज़्यादा लोग बीपीएल के राशन कार्ड में शामिल हैं। हम बात करें पूरे देश भर की तो 90 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो बीपीएल की श्रेणी में यानी कि गरीब परिवार में शामिल हैं। आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से उनको अब मालामाल करने की तैयारी में है, और सरकारी जो आदेश हैं वो भी जारी हो चुके हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होंगे, और भाई आप सभी को मैं बता दूं, उससे पहले ही मोदी की सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं निकाल रखी थी जिसके माध्यम से आपको फ़ायदा पहुंचाया जाना था, लेकिन बहुत सी स्कीमें ऐसी थी जो कि लागू नहीं कर सकी सरकार। अब 15 अप्रैल से जो स्कीम है ये लागू होगी, और बहुत से ऐसे राशन हैं जो कि आपको अब बीपीएल के परिवार यानी कि बीपीएल के राशन कार्ड पर आपको उपलब्ध होंगे। पहले क्या था कि ये इन राशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, और अब आपको ये राशन बीपीएल के राशन कार्ड पर ही उपलब्ध होंगे। तमाम जानकारी आपको दूंगा, अंत तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। राशन कार्ड संबंधित प्रत्येक जानकारी आपको मैं देता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे 90 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए, यानी कि आप देश भर में कहीं पर भी रहते हैं भाई। आपको मैं बता दूं, केंद्र सरकार ने 2024 जैसे ही शुरू हुआ था जनवरी में ही बीपीएल के राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो प्रक्रिया थी उसी को अमल में लाया गया था, और बहुत से ऐसे राज्य थे जिनके पूर्णतः बीपीएल के राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया था। यानी कि हम बात करें तो अंगूठा लगाने वाली जो मशीनें थी वो सभी जगह पहुँचा दी गई थी। अब क्या है कि 15 अप्रैल 2024 से आपको 5 नया राशन मिलने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले और सबसे पहले आपको जो राशन था वो था गेहूं का। जी हाँ, बहुत से ऐसे राज्य थे जहां पर गेहूं का राशन आपको दिया जाता था, यानी कि राशन कार्ड पर गेहूं आपको उपलब्ध हुआ था। अब आपको गेहूं की सप्लाई को बाधित करने का फैसला सरकार ने लिया है। गेहूं के स्थान पर आपको गेहूं का आटा उपलब्ध होगा, वो भी बढ़िया क्वालिटी का। भी आपको मैं बता दूं, प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम गेहूं का आटा उपलब्ध होगा, और 15 अप्रैल से जो थैलियां हैं ये डिपो होल्डर्स की जो शॉप है दुकानें हैं वहाँ पर भेज दी जाएगी। उसके साथ साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण राशन है जो कि आप काफ़ी पैसे दे करके ख़रीदते थे, और भाई अब आपको ये जो राशन है ये भी सरकारी दुकान से ही उपलब्ध होगा। जी हाँ, कौन सा राशन है वो आपको मैं बताता हूँ। जी हाँ, आपको जो मैदा है वो उपलब्ध होगी। प्रत्येक व्यक्ति को 2 किलोग्राम मैदा जो है वो सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि मैदा जो है वो भी अब सरकारी दुकानों पर उपलब्ध होगी। वहीं हम बात करें, तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अब बच्चों के जो कपड़े हैं वे भी आपको अब दुकानों पर उपलब्ध होंगे, सरकारी दुकानों पर। यानी कि हम बात करें तो भाई चलता फिरता शोरूम बनाने जा रही है सरकारी दुकानों को अब सरकार। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक का सामान, बच्चों के लिए कपड़े, वह हम बात करें तो अब आपको और भी सुविधा। जैसे हम बात करें तो आपको जो पहले मिट्टी का तेल आपको उपलब्ध होता था, अब पेट्रोल भी सरकार उपलब्ध करवा सकती है। जी हाँ, सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि हम जिनके परिवारों में 2 पहिया वाहन यानी कि स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल ऐसे वाहन हैं, ऐसे परिवारों को हम 5 लीटर तक जो पेट्रोल है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जो पेट्रोल जो है ये आपको उपलब्ध होगा लोकसभा चुनाव 2024
2024 होने के बाद जैसे ही सत्ता में सरकार एक बार फिर से रिपीट होती है तो आपको पेट्रोल भी उपलब्ध होगा। ये भी बड़ा फैसला है भाई। उसके साथ साथ हम बात करेंगे अगली जो योजना है और राशन कार्ड से जुड़ी हुई है, और एक राशन और बंद किया गया है सरकार ने, बाजरा जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम आ चुका है और सर्दी में बाजरा जो था वो आपको दिया जा रहा था, मार्च तक आपको बाजरा दिया गया था, अब अप्रैल से आपके जो बाजरा है वो सरकार उपलब्ध नहीं करवाएगी, यानी कि अब आपको बाजरा नहीं मिलने वाला है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। उसके साथ साथ अब आपको जो सूरजमुखी का जो तेल दिया जा रहा था, बहुत से राज्यों में सूरजमुखी का जो तेल दिया जा रहा था उसको भी बंद करके सरसों का जो तेल है वो ही उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ, सरसों का तेल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बहुत से ऐसे राज्य थे जहाँ पर सरसों के तेल के नाम के 300 रुपये बैंक अकाउंट में दिए जा रहे थे, अब वहाँ पर 300 रुपये भी बंद करके सरसों का तेल ही आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि सरसों का तेल, चीनी, चने की दाल, नमक, वह आपको राशन में गेहूं के स्थान पर आपको गेहूं का आटा व चावल जो है वो उपलब्ध होगा। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो सामान है वो आपको अब राशन की जो दुकान है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कॉस्मेटिक का सामान भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ महिलाओं का कॉस्मेटिक का सामान, बच्चों के लिए कपड़े उचित रेट पे आपको मिलेंगे। बहुत बड़ा फैसला है। और सरकार ने दूध जो है वो भी अब देने की तैयारी की है, यानी कि दूध के जो पैकेट हैं, सूखे दूध के जो पैकेट है वो भी आपको अब राशन की दुकानों पर उपलब्ध होंगे और आप ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, सूखे दूध के लिए आपको 50 रुपये प्रति किलो का जो पैकेट आया, यानी कि 1 किलो का जो पैकेट है उसमें आपको 50 रुपये पे करने होंगे, जो कि बाज़ार में 250 रुपये के आसपास ये जो दूध का पैकेट है ये आता है और आपको इसमें 50 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे, 90 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार फ़ायदा उठा पाएंगे। वहीं हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम गरीब परिवार जितने भी हैं उनके बैंक अकाउंटों में हम सीधे तौर पर पैसे ही डालेंगे। यानी कि हम पैसों की बात करें तो 8,500 रुपये की जो राशि है वो प्रत्येक गरीब परिवारों के बैंक अकाउंटों में ट्रांसफ़र होगी। तो ये तो भाई आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर मोदी की सरकार ही बनेगी। फिलहाल आपको जो सुविधाएं दी जा रही है उन सुविधाओं पर आप गौर करें। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं आती रहेंगी, छोटी बड़ी सभी की जानकारी आपको मैं देता रहूं। आप YouTube चैनल पर बने रहें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, WhatsApp पर, Facebook पर, जहाँ पर भी आपके दोस्त रहते हैं। धन्यवाद।